साहिर लुधियानवी साहब हमेशा मेरे लिए पहले एक उर्दू के शायर रहेंगे और फिर एक गीतकार। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक गीतकार के रूप में वो उर्दू के शायर से कहीं ना कहीं कमतर थे। मैं कहूँगा कि एक उर्दू के शायर के जितने भी औजार होते हैं, जितनी भी कला होती है, वो हूबहू उन्होंने अपनी गीतकारी में उतारी है। और यही नहीं, उनकी जो इंसानी उलझने थी, जो समाज से उनका रिश्ता था, जो दुनिया के प्रति उनके ख्याल थे, जो फिक्रें थी उनकी, वो भी वो फिल्मों में लेके आए। इसलिए जो साहित्य और समाज का जो रिश्ता है, जो इल्म और फिल्म का जो नाता है, वो उन्होंने बहुत खूबी से निभाया। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी नज़में जो हैं वो हूबहू फिल्मों में गीतों के रूप में आई भी। जैसे खूबसूरत मोड़, उनकी एक नज़म है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, या चकले कि सना ख्वान तकदीस मशरक़ कहाँ है, जो फिल्म में आया जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है के रूप में। तो वैसे ही उनकी एक नज़म है जो एक फिल्म में आई, जो उन्होंने 1973 में एक फिल्म आई थी दाग, और जिसमें राजेश खन्ना ने उनकी नज़म पढ़ी है डायलॉग के रूप में। तो ये नज़म उनकी गीत के रूप में नहीं आई है, ये डायलॉग के रूप में आई है। और ये नज़म उन्होंने लिखी थी 1971 में, जब उन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला था, तो उन्हें जो तमाम बधाइयाँ मिल रही थी उसके जवाब में ये नज़म लिखी थी। नज़म का उन्वान था आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखूँ। यही आई थी 1973 में दाग में, राजेश खन्ना ने पढ़ी थी, यश चोपड़ा की फिल्म थी। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूँगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूँगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज़ है आदमी के लिए, आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली है आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आँखों में अब तक वो तस्वीर है। उस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। तो ये नज़म मुझे बहुत पसंद है। इस नज़म की खासियत ये है कि ये एक ट्रेडिशनल उर्दू नज़म की तरह एक बहर के सारे मिसरे नहीं हैं, एक मीटर में सारी लाइंस नहीं हैं, इसमें रदीफ़ और काफ़िये नहीं हैं, इसमें छंद नहीं है, विच इज़ स्टैंजास नहीं है। तो उस मायने से ये एक आज़ाद नज़म है, एक रिदमिक पैटर्न है इसमें, विच इज़ वाई परहैप्स जब ये एक फिल्म में डायलॉग की तरह आई भी, एक स्पीच की तरह आई भी, तो एक रिदमिक मोनोलॉग की तरह आई। और उसमें आप वीडियो भी अगर देखेंगे यूट्यूब पे, आपको सुनाई पड़ेगा कि ऑडियंस ताली बजा रही है। तो कहीं ना कहीं साहिर साहब ने भी ये उस ऑडियंस के लिए या उस तमाम लोगों के लिए ही कहा था कि उन्हीं से मुखातिब होकर उन्होंने बात कही थी, इसीलिए शायद ये सिनेमा पर भी उसी तरह से फिल्माया गया। बहरहाल उनकी जो कुछ बातें हैं, जो ज़ाती बातें उन्होंने कही हैं, जो उनके अंदर एक शख्स है, इंसान है, जो कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं, और आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, और इस तरह की बातें, कल जो गुमनाम है, कल जो वीरान है, तो हम यही कह सकते हैं कि साहिर साहब ना तो आज गुमनाम है, ना तो उनकी यादों से हम लोग अनजान हैं। और इंशाल्लाह यही होता रहेगा कि चाहे कोई भी दौर हो, चाहे कोई भी वक्त हो, उनकी यादें, उनकी लिखाई, उनके गीत, उनकी नज़में, उनकी शायरी हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगी। और ये प्यार जिसे वो बचा कर रखने को कह रहे हैं, वो हमेशा बचा रहेगा उनके कल के लिए। शुक्रिया।